मास्टर किधर गया था? अरे अब अरे जी दारू मारे छे एक अरे तो एसएमएस किया गया एक बजे तक पेपरों में आया था एक बजे शार्प आ जाएंगे संगत मिली जो आपकी चहुं ओर फैला नूर सा यूं शख्सियत है आपकी आतुर हृदय करता बिना कुछ आपका उद्गार कुछ पद प्रदर्शित आज हो आशा की लौ मुझे आप दो माननीय अतिथि हमारे राम नाई जी आ चुके हैं बाकी जो हमारे अतिथिगण हैं कृपया आपके मंच पर आए पद्मश्री सोमा घोष जी सुप्रसिद्ध नायिका राष्ट्रीय सुप्रसिद्ध फिल्म गीतकार श्री समीर जी इस कार्यक्रम के संयोजक भाई अमरजीत मिश्र जी और भी अतिथिगण जैसा कि मैंने बताया आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं उस सफल अभियान को क्यों दिवस मनाना क्यों जरूरी है यहाँ भी ऐसे माननीय राम नाई की राज्यपाल उनका यहाँ पर अभिनंदन करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे बोले छत्रपति शिवाजी महाराज की सुप्रसिद्ध फिल्म गीतकार श्री समीर जी का सत्कार राकेश सिंह जी करेंगे पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष जी हमारे बीच हैं सुनीता सिंह से विनती यहाँ पर आए पुष्प गुज देकर पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष जी का सम्मान करें चंदन सिंह से विनती है कि श्री प्रेम शुक्ल जी को
पुष्प गुच्छ देकर आनंद व्यक्त कर रहे हैं। थोड़ी देर हुई है लेकिन जिस तरह का माहौल बना हुआ है, कार्यक्रम बहुत ही शानदार होगा, ये अभी से इसका आगाज ही बता रहा है। और मैं विनती करूंगा इस कार्यक्रम की प्रस्तावित न रखने के लिए श्री अमरजीत मिश्र जी को, लेकिन उसके पहले मैं इनके बारे में चार लाइनें कहने की। इनके दिल के कोने में कोई एक जिद्दी परिंदा है, इनके दिल के कोने में कोई एक जिद्दी परिंदा है, उम्मीदों से घायल है लेकिन अपनी ही उम्मीद पे जिंदा, मधुर मिठास को संभालता, अपनी ही धुन में जीता, दिल की बस्ती का ये बासिंदा है भाई अमरजीत मिश्र। मुंबई विश्वविद्यालय के पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर रामजी तिवारी जी हम सबके बीच में हैं, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। मैं निवेदन करता हूं सर से, कृपया मंच पर आएं। डॉक्टर रामजी तिवारी को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करेंगे उनका आदित्य दुबे जी। अरे स्टिल दादा, मैं निवेदन करूंगा जो लोग खड़े हैं इसमें बालकनी की भी व्यवस्था है। हम सब के लिए अत्यंत प्रिय और उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल, हम सब के लाडले राम भाऊ, और अब अपने जहां हिंदुस्तान के लोग अधिक विराजते हैं ऐसे फिजी में अपना मुकाम कर लिया है ऐसी पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष जी, अभियान संस्था को गति देने का काम वर्षों वर्ष से जो व्यक्ति कर रहा है और अब देश में लोगों की आवाज बन चुका है ऐसे भाई प्रेम शुक्ल जी, खई के पान बनारस वाला जो गीत लोगों की जुबान पर चढ़ गया और हिंदुस्तान का वो महानायक अमिताभ बच्चन जिसकी वजह से एक अलग किरदार में पहचाना जाने लगा, ऐसे बहुत ही शानदार गीतकार अनजान के सुपुत्र और उतने ही शानदार गीतकार वो स्वयं भी हैं ऐसे समीर जी, मैंने ले ली वजह से राम भाऊ नाइक के सत्कार समारोह में आने का जो एक उत्कंठा थी वो आपको ले आई। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। मेरे अग्रज आर्यो सिंह जी, जयप्रकाश ठाकुर जी, आदरणीय बाबू जी, रामब्रिज यादव जी, जयप्रकाश मिश्रा जी, एडवोकेट दीनानाथ तिवारी जी, आरपी सिंह जी, जिनकी वाणी शुद्ध गंगा जल जैसी है ऐसे वीरेंद्र याग्निक जी, पत्रकार साथियों भाई ब्रजमोहन पांडे जी और तमाम साथियों, बहनों और भाइयों, आज हम लोग जिस शख्सियत का सम्मान करने के लिए यहां जुटे हैं वो व्यक्ति किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वो व्यक्ति उत्तर भारत और उत्तर भारतीयों के प्रति उनका प्रेम हम लोग सतत अलग अलग समय पर देखते रहे हैं। ये एक सौभाग्य भी है कि उत्तर मुंबई से वो लगातार कई बार लोकसभा में प्रतिनिधित्व भी करते रहे। ऐसे आदरणीय राम भाऊ नाइक, मुझे याद है कि मुंबई से उत्तर भारत की ओर जाने वाली ट्रेनों की समस्याएं आज भी उतनी ही जटिल हैं, और राम भाऊ रेल मंत्री नहीं थे तो पश्चिम रेलवे से
कोई ट्रेन उत्तर भारत के लिए जा सकती है इसकी कल्पना भी कोई कभी नहीं कर सकता था, तब राम भाव ने अवध एक्सप्रेस शुरू की थी। पंडित कमलापति त्रिपाठी रेल मंत्री रहते हुए एक ट्रेन शुरू किए, महानगरी एक्सप्रेस। पूरा मुंबई का और उत्तर प्रदेश का समाज, महानगरी का प्रणेता आदरणीय कमलापति जी को कहता था। लेकिन एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन ट्रेन जिस शख्सियत ने हम सब के लिए शुरू किया, उस शख्सियत का नाम है राम भाव नाइक। कामायनी एक्सप्रेस, गोदान एक्सप्रेस, मैं यह सब इसलिए आपको बता रहा हूं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस ही शुरू करने का श्रेय राम भाव को नहीं है। कामायनी एक्सप्रेस का नाम कामायनी एक्सप्रेस हो, वो उन्होंने शुरू भी किया, और कामायनी एक्सप्रेस हो उसके लिए उन्होंने आरयू सिंह जी के नेतृत्व में अपने कैंप ऑफिस में एक मीटिंग ली और कहा कि इसका नाम क्या हो सकता है, आप सुझाएं। जयशंकर प्रसाद की कृति है कामायनी, और गोदान जब शुरू हुआ तो मुंशी प्रेमचंद जी का की कृति गोदान के ऊपर रखा गया। मुंशी प्रेमचंद जी मुंबई में फिल्मों में लेखन के लिए भी आ चुके थे। मुंबई और उत्तर भारत का जो रिश्ता है उसको सतत जीने वाला व्यक्ति, ऐसे आदरणीय राम भाव नाइक, आज हम उनका इसलिए सम्मान कर रहे हैं मित्रों कि जब उत्तर प्रदेश में 2014 में राम भाव गवर्नर बन के गए और उत्तर भारतीय लोगन के पता हुए कि जब कौनो बात हो था तो हम लोग कही थे तू बड़का गवर्नर बन गया है, तो आज वह बड़का गवर्नर का हम सब सम्मान करे बदे यहां उपस्थित है। हम लोग बहुत दिनों से प्रयत्न कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिन मुंबई में मनाया जाता है तो देश में मनाया जाए और खास करके उत्तर प्रदेश में मनाया जाए। ये कल्पना हम किसी को दे पाए इसके लिए कोई व्यक्ति हमको सुने ये भी जरूरी था। जब 2014 में माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश के आदरणीय राम भाव बने तब हमारी कल्पनाओं को पंख लगे और हम राम भाव से कहे कि आप उत्तर प्रदेश दिवस यहां भी मनवाइए। देखिए आप जो जिसकी केस होती है वो तो बता देता है, लेकिन जब काबिल वकील होता है तो उसका निर्णय आपके हक में आता है। राम भाव वो काबिल वकील हैं जो जज से ये मनवा पाए, हालांकि वो जज की भूमिका में भी थे, वो अध्यादेश भी ला सकते थे, लेकिन 2014 में वो अखिलेश की सरकार को कहे कि आप करिए उत्तर प्रदेश का स्थापना दिन मनाइए, उन्होंने नहीं माना। लेकिन मुझे याद आता है कि भगवान राम त्रेता युग में वनवास गए, वनवास जाने के बाद वर्षों से शापित अहिल्या का कष्ट उन्होंने दूर किया था और अहिल्या को फिर से उन्हें जीवंत कर दिया था। हमारे राम भी उत्तर प्रदेश गए, लेकिन ये वनवास नहीं था। जो लोग राज्यपाल के कार्यकाल को राजनीति से बाद में अलग मानते हैं उनको ये बता देना पड़ेगा, तब से वो परिभाषा 2014 से बदल गई जब से राम भाऊ के राजभवन में एक भी दिन बैठने के लिए, खाली बैठा नहीं है राम भाऊ नाइक जैसा व्यक्ति, एक भी दिन राजभवन में बिना काम के नहीं बैठे हैं। उत्तर प्रदेश का एक एक जर्रा जर्रा जिस व्यक्ति ने कार्यक्रमों में समारोहों में शिरकत करके किया, ऐसे 83 साल के व्यक्ति, अगर मैं वीरेंद्र याग्निक जी की भाषा में कहूं तो 38 साल के राम भाऊ हैं। राम भाऊ इतने तरुण रूप में काम कर रहे हैं, ईश्वर उनको और ताकत दे और उत्तर प्रदेश में
24 जनवरी को राम भाऊ वाइब्रेंट यूपी नाम का कोई परिकल्पना से काम हो और उत्तर प्रदेश में विकास को गति मिले। मैं आप सबको एक बात का और उल्लेख कर दूं कि राम भाऊ ने महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बीच में एक सेतु भी बना रहे हैं और इसकी कल्पना जब उत्तर प्रदेश दिवस की यह घोषणा हुई तो ये महाराष्ट्र दिन के निमित्त हुई। महाराष्ट्र दिन के निमित्त राम भाऊ ने एक कार्यक्रम राजभवन में किया था, उसमें आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री के नाते उसमें आए हुए थे और उसी में महाराष्ट्र दिन के दिन उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की घोषणा हुई। इसके लिए मैं फिर से एक बार राम भाऊ का शुक्रिया अदा करता हूं। और जो बात मैं भूल रहा था कि 2016 में सितंबर में राम भाऊ ने एक कार्यक्रम किया था, उसमें पद्मश्री सोमा घोष जी गई हुई थी। यादें बिस्मिल्ला, वो भारत रत्न बिस्मिल्ला खां की मानस पुत्री भी हैं। उस कार्यक्रम में अखिलेश यादव जी भी आमंत्रित थे और किन्हीं कारणों से अखिलेश जी नहीं आ पाए, लेकिन 2016 में अखिलेश जी ने जो गलती की थी उसका खामियाजा उन्हें 2017 में भुगतना पड़ा। इसलिए आप लोग गीत जरूर सुने सोमा घोष जी का। जो लोग सोमा घोष जी का गीत नहीं सुनेगा उसकी दुर्गति अखिलेश जी जैसी होगी। बहनों भाइयों, मैं फिर से एक बार अपने आदरणीय राज्यपाल जिन्होंने आज बमुश्किल, उनके पास समय का अभाव था लेकिन हमारे आग्रह पर वो हमको समय दिए, मैं इस बात के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। मुंबई में आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहां जुटे हैं, मैं आप सबका भी स्वागत करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। वरिष्ठ उत्तर भारतीय नेता हमारे आदरणीय सम्माननीय श्री मिठाईलाल सिंह जी से विनती करता हूं कि हमें आशीर्वचन दें। महिम गवर्नर साहब, डॉक्टर रामजी तिवारी, आदरणीय समीर जी, सीमा घोष जी, प्रेम शुक्ला जी, अमरजीत मिश्र जी, हमारे प्रिय भाइयों और बहनों, आज उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर हम अपने बीच में राम भाऊ नाइक को पा करके बहुत खुश हैं और मैं चाहता हूं कि ऐसे व्यक्तित्व से उत्तर प्रदेश का जितना विकास होगा वो होगा और हम जो बम्बई में बसे हुए उत्तर भारतीय हैं उन सबका भी बहुत बड़ा काम होगा। तो बस इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत ही थोड़े शब्दों में गीतकार श्री समीर जी से कि अपने विचार यहां पर रखें। समीर जी सालों से वर्षों से हमारे साथ इस अभियान संस्था के साथ जुड़े हुए हैं और हर कार्यक्रम में वे यहाँ उपस्थिति अपनी दर्ज कर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे साथ लगे हम आशीर्वाद चाहते हैं। सपना देखना एक हर आदमी की आदत होती है और सपना हम भी देखते हैं। मैं पिछले इतने सालों से अमरजीत मिश्र को मैं देखता रहा हूँ और बहुत करीब से उनको जानता हूँ। आज जब मैं इस सभागृह में आया तो पहली बार मुझे अमरजीत मिश्र का चेहरा थोड़ा अनजाना सा लगा, क्योंकि उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी, उनके चेहरे पर जो सफलता की जो झलक थी वो मुझे देख के बहुत खुशी हुई। और उसके लिए जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हमारे बीच बैठे हुए हैं श्री राम नाइक जी, मैं पिछले दिनों लखनऊ में किसी फंक्शन में था और वहाँ महामहिम उपस्थित थे, शायद
ये मुझे पहचाने होंगे या नहीं मुझे पता नहीं, किसी की काफ़ी टेबल बुक का रिलीज फंक्शन था ताज में, और मैं पहली बार उनसे वहाँ मिला था। मैंने उनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, सुना है, जाना है, मगर जब वहाँ पहली बार मैंने उनको बोलते हुए सुना तो मुझे लगा कि मैं कभी ये उम्मीद नहीं कर सकता हूँ कि राम नायक जी इतना अच्छा बोलते हैं और इतना सटीक बोलते हैं। आज इस फंक्शन में आने की मेरी वजह और कुछ नहीं थी, मैं बधाई दे सकता था अमरजीत जी को फ़ोन पर भी, मगर मुझे बहुत खुशी थी कि आज फिर दोबारा मुझे एक मौका मिलेगा महामहिम को सुनने का। और यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं इस मंच पे जो बैठे हैं और जो मंच से अलग बैठे हैं वो सब उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, और आपने मुझे यहाँ बुलाया, आपने मुझे सम्मान दिया, और ख़ास तौर से मेरे स्वर्गीय पिता गीतकार अनजान का वो गाना जिसके बारे में मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि यहाँ से लंदन तक जब जब मैं जहाँ जहाँ गया हूँ हर जगह लोग मुझसे उस गाने का जिक्र जरूर करते हैं, और कुछ कुछ गाने कुछ फिल्में ऐसी रहती हैं जो आदमी के साथ इतिहास की तरह जुड़ जाती हैं। सो अगर जहाँ यहाँ के जितने लोगों ने उत्तर प्रदेश के लिए जो कुछ भी किया, मगर कहते हैं कि आप जहाँ होते हैं वहाँ से अपनी कोशिश जारी रखिए, तो मेरे पिता ने फिल्मों के माध्यम से उत्तर प्रदेश और बनारस को जो ये सौगात दी है आप तमाम लोग उसको याद करते हैं। मेरे ख्याल से उनकी आत्मा को इससे अच्छी श्रद्धांजलि और कुछ नहीं मिल सकती। मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ, और बहुत कम बोलना है इसलिए अपने वक्तव्य को बहुत संक्षिप्त में खत्म करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद समीर जी। समय मेरे दिल में होता है। दोपहर के सामना के पूर्व कार्यकारी संपादक और इस समय राष्ट्रीय प्रवक्ता भाजपा के श्री प्रेम शुक्ल जी। महामहिम आदरणीय रामभाव नाइक जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय रामजी तिवारी जी, भाई समीर जी, आदरणीय मिठाई लाल सिंह जी, डॉक्टर सोमा घोष जी, और जिनके कारण इस कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश दिवस को आज प्राधिकृत स्वरूप मिला है, ऐसे भाई अमरजीत मिश्र जी, समय अभाव है और बहुत सारी बातें हैं इसलिए अपनी बातों को संक्षेप में समेटने का प्रयास करूंगा। पिछले 29 वर्षों में, कम से कम 24 वर्षों से, 1993 से लगातार उत्तर प्रदेश दिवस में अमरजीत जी के अभियान के साथ किसी न किसी कारण में भी जुड़ा रहा, और ऐसे बहुत सारे अवसर आए जब लगा कि इस बार जो है उत्तर प्रदेश दिवस नहीं मनाया जाएगा, और कई बार अमरजीत भाई हम लोगों को डोज देने के लिए भी कह देते थे कि अब की जो है बस अब अगली बार से हमको कार्यक्रम नहीं करेंगे। अर्थाभाव था हमारा समाज, जिसके ऊपर समाज है कि चार चार स्थानों पर उत्तर प्रदेश दिवस के कार्यक्रम मनाए गए, और फिर अगले ही वर्ष जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने उत्तर प्रदेश दिवस का राजनीतिक विरोध प्रारंभ कर दिया तो किस तरह से वो चारों में से तीनों कार्यक्रम सिमट गए और खत्म हो गए, और ये स्थिति आई कि जब उत्तर प्रदेश दिवस के कार्यक्रम के कारण ही राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उत्तर प्रदेश वासियों को जो है निशाना बना रही है, ऐसी स्थिति आई कि हम लोगों को एक मीटिंग दादर में बुलाई गई, उत्तर भारतीयों के प्रमुख उत्तर भारतीय जमा हुए, और प्रमुख उत्तर भारतीयों की इस बैठक में तत्कालीन मंत्री नवाब मलिक खड़े हुए और उन्होंने कहा कि इस उत्तर प्रदेश वासियों के खिलाफ जो राज ठाकरे का अभियान चल रहा है उस राज ठाकरे के अभियान के लिए कोई एक व्यक्ति दोषी है तो अमरजीत मिश्र दोषी है। यह स्थिति भी आई। उन स्थितियों का सामना करने के बावजूद लगातार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा ये धमकियां कि हम इस कार्यक्रम को नहीं होने देंगे, उसके बावजूद अमरजीत मिश्र और उनकी पूरी टीम की ये उनका साहसिक कार्य था जिसके कारण पिछले 29 वर्षों से ये कार्यक्रम चलता रहा, और ये दंश अकेले अमरजीत मिश्र को नहीं झेलना पड़ा है। जितना ये दंश अमरजीत मिश्र को झेलना पड़ा उतना ही दंश रामभाव नाइक को भी झेलना पड़ा है। 2009 के चुनाव थे और 2009 के चुनाव में बाकायदा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने एक पत्रक बांटा था कि राम भाऊ नाइक तो ये मराठियों के नेता ही नहीं है बल्कि ये तो नेता है उत्तर भारतीयों के, इनके जितने काम, इनके कामों की पूरी सूची बनाई गई थी, उसमें कामायनी गोदान का भी जिक्र था कि राम भाऊ नाइक सिर्फ उत्तर भारतीयों का काम करते हैं, महाराष्ट्र वासियों के प्रति इनके मन में जो है सौतेलापन रहता है,
राम भाव नाईक का उस चुनाव के समय हम लोग जब गणपत पाटिल नगर में प्रचार के लिए गए तो हम लोग ने आग्रह किया, अमरजीत भाई और मैंने उनको मंच पर रोक कर आग्रह किया कि आपसे विनती है कि आप कृपा करके मराठी भाषी इलाकों में थोड़ा ध्यान दें क्योंकि वहां बहुत भयंकर दुष्प्रचार चल रहा है। लेकिन राम भाव नाईक टस से मस नहीं हुए, उन्होंने कहा कि मेरी जो नीतियां हैं, जो मेरा सिद्धांत है, जो मैं करता हूं, मैं जैसा हूं वैसा ही जनता स्वीकारती है तो स्वीकारे। और पहली बार हम लोग पत्रकार रहे, संपादक रहे, लोगों की जय पराजय पर किंचित हम लोगों के मन में किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती थी। लेकिन 2009 में जब राम भाव नाईक मुश्किल से 5,500 वोटों से यानी जीतते जीतते हार गए थे तो हम सारे लोगों को लगा था कि मराठी समाज में जो उत्तर भारतीयता की पहल करने वाले लोग हैं वो उत्तर भारतीयता और मराठी जो भाषा है इसके बीच समन्वय स्थापित करने का एक जो सेतु है वो ध्वस्त हो गया है, ऐसी पीड़ा हम लोगों को उठी थी। लेकिन जब 2014 में आदरणीय राम भाव नाईक राज्यपाल बनकर लखनऊ गए, हम सारे लोग यहां से जयप्रकाश ठाकुर के नेतृत्व में, उस समय आरयू सिंह जी, जयप्रकाश ठाकुर, जयप्रकाश मिश्र, इन सबके नेतृत्व में जब हम लोग राजभवन गए तो राजभवन में शपथ ग्रहण के बाद मुंबई वासियों के साथ एक अलग बैठक राम भाव ने की, उसे मुझे ही बोलने का अवसर मिला तो बरबस मेरे मुंह से निकला था कि राम का उत्तरायण हुआ है और राम का उत्तरायण खाली नहीं जाएगा। उसी वर्ष राम भाव ने अखिलेश सिंह यादव से प्रस्तावित किया था कि उत्तर प्रदेश दिवस क्या एक इतिहास है और उस इतिहास के आधार पर मुंबई में लोग जो है उत्तर प्रदेश दिवस का कार्यक्रम मनाते हैं, आप कृपया उत्तर प्रदेश दिवस उत्तर प्रदेश में मनाने का कार्यक्रम प्रारंभ करें। तब अखिलेश सिंह यादव ने इसको राजनीतिक चश्मे से देखा और इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया। उनका प्रस्ताव अस्वीकार हुआ लेकिन राम भाव नाईक का संकल्प विजयी हुआ, अखिलेश सिंह यादव की सरकार ध्वस्त और धराशायी हो गई। आज वहां पर राम के उत्तरायण के पश्चात योगी की सरकार आ गई, क्योंकि जब राजभवन में राम होते हैं तो सत्ता में योगी ही बैठता है, सत्ता में योगी बैठे हैं और वहां उत्तर प्रदेश दिवस का कार्यक्रम वहां का अधिकृत कार्यक्रम हुआ है। इसके लिए अमरजीत मिश्र जी के 29 वर्षों के भगीरथ प्रयत्न का अभिनंदन और उनके इस भगीरथ प्रयत्न, क्योंकि भगीरथ जो है गंगा उतार तो लाए थे लेकिन उस गंगा को उतारने के लिए शिव की जटाएं चाहिए थी, वो शिव की जटाएं राम भाव नाईक के रूप में हम लोगों के बीच मौजूद है। मैं एक बार फिर से सबकी तरफ से, समग्र उत्तर भारतीय समाज की तरफ से, समग्र महाराष्ट्रवासी समाज की तरफ से, अब मैं जब उत्तर प्रदेश का दौरा करता हूं देखता हूं तो जब कानपुर विश्वविद्यालय में शेजवल कर दिखाई देते हैं, वैशंपायन दिखाई देते हैं, और जब जबलपुर जाता हूं और पता लगता है कि वहां पर तो बाबू साहब परांजपे वर्षों से सांसद रहे हैं, वो हमसे हिंदी में बात करते हैं, मैं उनसे मराठी में बात करता हूं, तो ये जो भारतीयता का समन्वय संस्थापित होता है, उस भारतीयता के समन्वय को संस्थापित करने की दिशा में जो एक भगीरथ कार्य आदरणीय राम भाव नाईक ने किया है, उसके जितना भी अभिनंदन किया जाए, जितनी भी प्रशंसा की जाए, शब्द कम पड़ जाएंगे लेकिन वो कर्तृत्व नहीं कम पड़ेगा। इसके लिए बार बार अभिनंदन, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय उत्तर प्रदेश। इतने लोगों के हौसले जुड़े हैं मुझसे। दरअसल शुक्ल जी ने जैसा बताया कि बार बार ये सवाल कभी कई बार अमरजीत जी के मन में आया कि बस अब इसे बंद करते हैं, लेकिन चूंकि ये अभियान वो महाकुंभ बन गया था, लोगों की उम्मीदें जुड़ी रहती थी उस समारोह से, इसलिए वो बंद नहीं हो पाया। नतीजा आज हम इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि आज वो स्थापित हो गया है उत्तर प्रदेश में और सरकार को उसे अधिकृत तौर पर मानना पड़ा है ताकि हर जगह उसे मनाया जा सके। यहां पर हमारे बीच और भी सम्मानी लोग हैं, अरुण देव जी हैं, गंगाराम जमनानी जी हैं, नगर सेविका सुधा सिंह हैं, डॉक्टर राधेश्याम तिवारी हैं, अमरनाथ पांडे जी हैं, हस्सी मिल हस्सी जी हैं, नगर सेवक दीपक ठाकुर भी हैं, सभी का स्वागत। अब मैं विनती करूंगा सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शोमा घोष का, जो पद्मश्री हैं और अपनी मधुर और कोकिल वाणी में आप सभी को अपने गीतों से मंत्रमुग्ध करती रही हैं। हेलो, मेरी अद्भुत अभिज्ञता हुई थी जब मैं राजभवन गई थी, वो पूरा सुनने के बाद इतनी सुंदर भाषा में उन्होंने पूरा कार्यक्रम की जो सारांश अपने अद्भुत काव्यिक भाषा में किए थे वो मुझे आज भी याद है, तो मैं इसके लिए उनको दोबारा प्रणाम करती हूँ। और मंचा सिंह
सभी महानुभावों को प्रणाम करती हूँ और हृदय से मैं श्री अमरजीत सिंह जी को प्रणाम करती हूँ कि आज उनकी जो ख्वाब थी वो पूरी हुई, और इसके लिए फिर से दोबारा राम नाइक जी को प्रणाम, क्योंकि मैं हमेशा अपने आप को हिंदुस्तानी ही समझती थी और समझती रहूँगी, क्योंकि मेरा जन्म हुआ बनारस में, वही मेरी मातृभूमि है, वही मेरी प्राण है, और मैं बम्बई को भी बहुत बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि ये मेरा ससुराल है, वो मेरा मायका है। तो दो नाव में सवार होकर चलना तो बहुत कठिन है, लेकिन ईश्वर की कृपा से, हमारे शिव की कृपा से मैं बहुत अच्छी तरह से चल रही हूँ। और मैं श्री राम नाइक जी को ये कहना चाहूँगी कि मैं हाल ही में योगी जी से भी मिल के आई हूँ, और संगीत ग्राम जो वीरेंद्र याग्निक जी और हमारा दोनों का बहुत दिनों का प्रयास है वो पूरी होने जा रही है, और आप लोगों के आशीर्वाद से ये ज़रूर जल्दी ही पूरी होगी जो बनारस में होगी, कि विश्व का संगीत वहीं पर सिखाया जाएगा। और आज यहीं से याग्निक जी हम लोग संकल्प लेते हैं कि वो जल्दी ही पूरी हो जाए, कि संगीत बचेगा तो हमारे विश्व का धर्म भी बचेगा। तो अमरजीत जी ने कहा कि एक लाइन सुनाने के लिए, तो अभी बारिश तो आने ही वाली है, आसमान में बादल भी छा गया है, कजरी एक लाइन भी माइक बहुत, एक बोलने के लिए माइक है, गाने के लिए नहीं है। देखो तो वो सही है कि नहीं, फिर भी मैं एक लाइन गाती हूँ। हेलो हेलो हेलो, जब 47 के मोमेंट में एक स्वतंत्र सेनानी मिर्ज़ापुर से रंगून चले गए, फिर लौट के नहीं आए, तो उनकी जो प्रियतमा रो रो के कजरी गाती थी मिर्ज़ापुर में गंगा के किनारे खड़ी होकर, तो वो ये एक लाइन सुनाती हूँ। मिर्ज़ापुर कई ने गुलजार हो, कचौड़ी गली सोन कैल बलम हो, मिर्ज़ापुर कई ने गुलजार हो, कचौड़ी गली सोन कैल बलम हो, यही मिर्ज़ापुर वासे उड़ल जहजिया, यही मिर्ज़ापुर वासे उड़ल जहजिया, पिया चली गई ने रंगून हो, कचौड़ी गली सुन कैल बलम। धन्यवाद आप सभी लोग का स्वागत। और मैं सबसे, अब मैं सीधे मुंबई विश्वविद्यालय के पूर्व हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर रामजी तिवारी जी से विनती करूंगा कि अपना दो शब्द कहें। महामहिम आदरणीय राम नाइक जी, मंच पर विराजमान संगीत क्षेत्र के जाने माने हस्ती समीर जी, आदरणीय श्री मिठाई लाल जी, अभी जिनकी आवाज के जादू से आप विमुग्ध हुए, सोना घोष जी, बहुत ही ओजस्वी पत्रकार और इस समय राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी श्री प्रेम शुक्ल जी, इस इतने बड़े निमित्त के कारणीभूत भाई अमरजीत जी, आप सभी मान्यवर और देवियों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। 5 मिनट का समय है और अध्यापकी पेशे का आदमी 5 बरस में तो गर्म हो पाता है। बात असल में यहाँ उठाई गई है महाराष्ट्र और उत्तर भारत के संबंधों की। मैं ये सोच रहा था कि ये संबंध तो बहुत पुराना है, अगस्त ऋषि वहाँ से आकर यही इगतपुरी में रुके थे। असल में जो इगतपुरी हम कहते हैं वो अगस्तपुरी है। आप जानते हैं नासिक में भगवान राम ने निवास किया था, विदर्भ से भगवान कृष्ण तो संत ज्ञानेश्वर ने भी उत्तर भारत की यात्रा की थी, संत नामदेव ने भी उत्तर भारत की यात्रा की थी, और उत्तर के लोग यहाँ बराबर आते रहे।
तो ये सामासिक संस्कृत का बड़ा पुराना सूत्र है और उसी की एक सशक्त कड़ी रामभाव नाइक जी हैं। परंपरा जब विलुप्त होने लगती है तो कोई एक महापुरुष आता है और उसे फिर वो उसका नवीनीकरण कर देता है। मुझे भर्तृहरि की एक बात याद आ रही है कि महापुरुष किसे कहा जाए, तो भर्तृहरि कहते हैं कि विपत्ति धैर्य मथाम हृदय क्षमा सदस्य वाक पटुता युद्ध विक्रम यशस चाभिर चिर व्यसनौ श्रुतौ प्रकृति सिद्धम ही महात्मानाम। ये स्वभाव से महात्माओं के गुण हैं, वो विपत्ति में घबराता नहीं। शुक्ल जी ने कहा कि वो टस से मस हुए नहीं हुए, तो मुझे ये बात उस वक्त याद आई कि वो टस से मस क्यों होंगे। जहां पर अभ्युदय होता है तो अभिमान नहीं, अभिमान हो गया तो बड़प्पन खत्म हो जाता है, तो अभिमान नहीं और वाक पटुता कब कहां कैसे और किस तरह बोला जाए। तो आप सभी ने देखा सोमा घोष ने, और मैं तो मुझे सौभाग्य रहा कि मैं बहुत बार रामनाई जी के साथ मंचों का साझा कर चुका हूं और हमेशा वो उसी तरह से नपातुला बोलते हैं। सवाल आई युद्ध विक्रम यानी युद्ध में पराक्रमी, तो युद्ध तो उन्होंने नहीं करना पड़ा, लेकिन युद्ध कई तरह का होता है। सिद्धांतों का युद्ध भी होता है, वाक युद्ध भी होता है। तो जहां कहीं भी अन्याय की संभावना होती है वहां वो हमेशा एक चट्टान की तरह से खड़े होते रहे, अपने संकल्पों को बनाए रख करके अपने व्यक्तित्व को स्थापित करते रहे, इसलिए वो पराक्रम भी उनमें है। तो महात्माओं के लिए गिनाए गए ये जो महापुरुषों के लक्षण हैं वो रामभाव नाइक में पूरी तरह से मिलते हैं, और ये गुण हैं जो इस आत्मा को महात्मा बना देते हैं। ये वास्तव में एक बात है जो हमें ध्यान में रखनी होगी, वो आज हमारे बीच हैं। उत्तर भारत दिवस मनाया जाएगा, ये हम सब के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है, क्योंकि आदमी कहीं भी जाए कहीं भी रहे कितना भी प्रेम संवाद उसका हो, लेकिन अपनी जड़ के प्रति उसमें एक ममत्व बना रहता है। राम ने लंका जीत ली और आप सब जानते हैं कि उन्हें वनवास दिया गया था, उसके बाद वो गए थे। लंका जीतने के बाद विभीषण का राज्याभिषेक हुआ। विभीषण ने एक निवेदन किया कि आप लोग नगर में प्रवेश करें, लंका सोने की है, इसको देखें, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। लक्ष्मण के मन में भी थोड़ा सा आकर्षण पैदा हुआ कि क्यों ना चल के देखा जाए। राम ने कहा नहीं, आप भी स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण में न रुचते, ये सोने की भी होकर लंका मुझे आकर्षित नहीं कर रही है, क्या वजह है। जननी जन्मभूमि स्वर्गाद पिगरीयसी, मुझे तो अयोध्या पहुंचना है, सबसे बड़ी जल्दी ये है। तो ये अयोध्या पहुंचने की जो ललक है सबके मन में रहती है। उत्तर प्रदेश दिवस हर जगह मनाया जाएगा, ये हमारे लिए गौरव की प्रसन्नता की उपलब्धि की बात है। अभिनंदन अवरजीत जी का जरूर होना चाहिए, उनकी पूरी टीम का होना चाहिए, उनके अभियान संस्था का होना चाहिए, क्योंकि जो सिद्धि आज मिल रही है उसकी साधना शुरू हुई 29 वर्ष पहले, और 29 वर्ष पहले से लगातार जो श्रम जो अध्यवसाय जो प्रयत्न वो करते रहे वो अब फलीभूत हुआ, और वो फलीभूत हुआ तो आशीर्वाद से महामहिम राम भाऊ जी के, इसलिए इसका श्रेय उन्हें तो जाता ही है, लेकिन भाई अमरजीत को भी जाता है क्योंकि पौधा तो उन्होंने ही लगाया था। तो ये एक बड़े भारी गौरव की बात है। मैं समझता हूं कि उन्हें किसी उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र किसी बड़े आदमी को किसी विचारक को किसी चिंतक को
इन खानों में ना बांटा जाए तो अच्छा है, क्योंकि उसके लिए जहाँ न्याय है, जहाँ संगति है, जहाँ चरित्र है, जहाँ शील है, जहाँ अवदात्य है, जहाँ पर मूल्यवान चीजें हैं, न्याय निष्ठा है, वो वहाँ खड़ा होता है, चाहे आदमी परिचित हो चाहे अपरिचित हो। राम भाव नाइक वास्तव में इसी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, इसलिए जब कभी चाहे उत्तर भारतीयों के साथ अन्याय हो या दक्षिण भारतीयों के, उन्होंने न्याय का पक्ष लिया, और निश्चित रूप से इस अर्थ में वो हम सबके पूज्य हैं। ये हमारा गौरव है कि वे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बने। सचमुच हर आदमी चाहता है कि हमारे यहाँ किसी भी बड़े पद पर कोई भला आदमी आए, कोई चरित्रवान आदमी आए, कोई ऐसा आदमी आए जिसका व्यवहार अनुकरणीय हो, जिसकी न्याय निष्ठा में विश्वास किया जा सके, जिसकी नेक नियति पर विश्वास किया जा सके, और राम बाबू हर तरफ से इसके हैं, इसके योग्य हैं, इसके लिए वे अधिकारी हैं। मैं उन्हें इन्हीं शब्दों के साथ प्रणाम करता हूं, और 5 मिनट चूंकि हो गया इसलिए आप लोगों से क्षमा याचना करते हुए पुनः आप सभी को प्रणाम करता हूं। आपने बहुत यहाँ पर दिए बंधुओं, इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री विद्या ठाकुर भी उपस्थित हो रही थी, लेकिन आप सभी जानते हैं कि जीएसटी के लिए महाराष्ट्र सरकार का विशेष अधिवेशन चल रहा है, इसीलिए वो यहाँ पर उपस्थित नहीं रह पाई, इसलिए उन्होंने क्षमा मांगी है। अब हम उस अवसर पर आ चुके हैं जबकि हमारे सम्मान मूर्ति का सत्कार हो। बंधु, मैं कहना चाहूंगा कि सत्कार जो है वो किसी भी व्यक्ति का सिर्फ उसकी अपनी उपलब्धि के लिए नहीं होता, बल्कि समाज इसलिए उसका सम्मान करता है कि समाज को वो कुछ देता है, समाज से उसको कुछ प्राप्ति होती है। और आज हम सभी को, जितने भी लोग यहां उपस्थित हैं, हमको राम नाइक जी ने स्वाभिमान दिलवाया, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस अब हक से मना सकते हैं। मैं चाहूंगा जोरदार आप लोग एक तालियां बजाएं इस उनकी उपलब्धि के लिए, और मैं विनती करूंगा वीरेंद्र याग्निक जी को कि यहां पर आए मंच पर, और अभियान की तरफ से परमादरणीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश सम्माननीय श्री रामभाव नायक, मंच पर विराजमान हमारे सभी अतिथिगण, वैसे तो हमारा भारत राष्ट्र ही महान है, लेकिन जब इस महान राष्ट्र में कोई महाराष्ट्र हो, और जैसा कि डॉक्टर रामजी तिवारी ने कहा कि उस महाराष्ट्र से कोई महात्मा जाए उत्तर प्रदेश और जा करके एक विशेष तारीख को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में उसका राज तिलक कराए, तो ऐसे अवसर को वास्तव में हमारे लिए और हम सब के लिए स्मरणीय, अनिर्वचनीय और आनंदमय क्षण बन जाते हैं। और उस महात्मा का हम सब अभिनंदन करने के लिए आज इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका स्वागत करते हैं। सफल हुआ है अभियान, और उस अभियान के तत्वावधान में 24 जनवरी को मनाए जाने वाले उत्तर प्रदेश दिवस को संवैधानिक और सरकारी मान्यता दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश के समादरणीय राज्यपाल माननीय श्री राम नाइक को, जो हम अभिनंदन शब्द के द्वारा उनका जो सम्मान कर रहे हैं, शब्द सुमन जो अर्पित कर रहे हैं, उसका मैं वांछन करता हूँ। संस्कृत के सुप्रसिद्ध विद्वान पंडित राज जगन्नाथ का एक मर्म स्पर्शी श्लोक है, अध्वन्य ध्वनि तरव पति पति के रूपास्य ते छाया, विरलह सको अपि विटपी यमध्वगो गृहगात स्मरति। अर्थात प्रत्येक मार्ग के किनारे किनारे कुछ पेड़ लगे होते हैं, और उन मार्ग पर चलने वाले पथिक उन पेड़ों की छाया में चलते हैं, लेकिन किंतु कोई छायादार पेड़ ऐसा भी होता है जिसकी छाया का स्मरण
घर पहुंचकर पथिक ही बड़ी ही कृतज्ञता पूर्वक करता है और उसकी शीतलता को और उसकी स्नेहमयता को हमेशा याद रखता है। उत्तर प्रदेश के आदरणीय राज्यपाल माननीय श्री राम भाऊ नायक लाखों में एक ऐसे विरल वटवृक्ष हैं जिनकी छाया का सुख और आनंद मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के राजनीतिक तथा सार्वजनिक जीवन में सक्रिय लोग आज भी प्राप्त कर उनका कृतज्ञता पूर्वक स्मरण बड़ी ही श्रद्धा और आदर के साथ करते हैं। आज वो समय आया है कि उसका स्मरण करें। मुंबई की धरती पर आज वही सौभाग्य अभियान संस्था के साथ जुड़े उन तमाम उत्तर भारतीयों और मुंबई निवासियों को प्राप्त हो रहा है। हम सब प्रथमतः श्री राम भाऊ को अपने संरक्षक मार्गदर्शक एवं पितृतुल्य स्नेह के लिए प्रणाम करते हैं और उनका अभिवादन करते हैं। भारत की राजनीति एवं सार्वजनिक जीवन की परंपरा को श्री राम भाऊ का अवधान सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोगों के लिए एक अमूल्य विरासत है जिसे संजोकर रखने तथा उसका निष्ठा से पालन करने का संकल्प ही आज के आयोजन का उद्देश्य बना है। विगत 29 वर्षों से अभियान संस्था द्वारा मुंबई में हर वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के आयोजन की गौरवमयी परंपरा को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधिवत प्राधिकृत मान्यता दिलवाकर माननीय राज्यपाल के रूप में श्री राम भाऊ ने जो विलक्षण कार्य किया है उसके लिए केवल अभियान संस्था ही नहीं वरन मुंबई का संपूर्ण उत्तर भारतीय समाज आपका सादर अभिनंदन करते हुए स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहा है। श्री राम भाऊ आपका शत सहस्त्र अभिवंदन परिवर्तित किया है। चाहे वे महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य के रूप में हो या लोकसभा के सांसद के रूप में हो या फिर भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री के रूप में हो सदैव उन्होंने अपनी विलक्षण कार्यशैली से नई परंपराओं का सृजन किया और उस पद को और उस अवस्था को गरिमा प्रदान की। यहां ये उल्लेख से परिभाषित कर दिया। परिणाम यह हुआ कि आज आप उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक जीवन में लोक प्रतिनिधियों से भी अधिक सम्मानित एवं लोकप्रिय राजनेता हैं। ऐसे आदरणीय अनुपमेय व्यक्तित्व के धनी श्री राम भाऊ को आचार्य सेवक वात्स्यायन की इन पंक्तियों से व्याख्यायित करके हम उनको प्रणाम करते हैं। जो होता है होने दो ये पौरुषहीन कथन है। जो होता है होने दो ये पौरुषहीन कथन है। जो हम चाहेंगे वह होगा इन शब्दों में जीवन है। आपको बहुत बहुत प्रणाम। श्री राम भाऊ भारतीय राजनीति के ऐसे जाज्वल्यमान नक्षत्र हैं जो निरंतर ऊर्जा से भरपूर रहते हैं। 83 वर्ष की अवस्था में भी 38 वर्ष के युवाओं जैसी कार्यक्षमता एवं गतिशीलता से हम सबको आप सदैव अनुप्राणित करते रहते हैं। चरैवेति आपके जीवन का मंत्र है और निरंतर निस्वार्थ निस्त्री भाव से काम करने की शैली आपका तंत्र है। आपकी यही कार्यशैली आपको दूसरों से अलग भी करती है जिसके लिए अभियान संस्था के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य आपका अभिनंदन करते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता पंडित विष्णुकांत शास्त्री की निम्न पंक्तियों से आपके दीर्घायु तथा आरोग्यमय जीवन एवं सदैव अपने मस्तक पर हमारे मस्तक पर आपके वरद हस्त की याचना तथा शुभकामना करते हुए यह अभिनंदन समर्पित करते हैं। और वो पंक्तियां हैं, ध्येय निष्ठ हो अगर समर्पण, विनय पूर्ति हो प्रतिपद, सहज साधना में जीवन हो, राम कृपा की संपद, मेवा खाने की नलालसा हो, मेवा खाने की नलालसा हो यदि अपने मन में, तो सेवा का छोटा सा पौधा बन सकता है बरगद। इसी भावना के साथ इस अभिनंदन पत्र के माध्यम से राम भाऊ हम आपको प्रणाम करते हैं। शुभमस्तु, कल्याणमस्तु। हम हैं आपके कृतज्ञ अमरजीत मिश्र, संस्थापक अधियान के सभी सदस्य एवं सभी पदाधिकारी करेंगे। सभी लोगों की तालियां बजती रहनी चाहिए।
स्वस्ति नेन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे धन्य धन हमारे भाग हैं श्रीमान हमारे साथ हैं हम अभिनंदन करें तब जोड़ कर द्वय हाथ है और मैं उत्तर भारतीय जनसेवा संघ से भी विनती करूंगा जल्द से आए दरअसल बहुत सी संस्थाएं हैं जो जैसा राम भवन के हमारे आदरणीय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महामहिम श्री राम नाईक जी अपने विचार रखें इस अभिनंदन समारोह के अध्यक्ष एवं मुंबई विश्वविद्यालय के पूर्व हिंदी उपाध्यक्ष डॉक्टर रामजी तिवारी जी पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष जी वरिष्ठ भारतीय उत्तर भारतीय नेता श्री मिठाईलाल सिंह जी पत्रकार श्री प्रेम शुक्ला जी मशहूर फिल्म गीतकार श्री समीर जी कार्यक्रम के संयोजक और अभियान संस्था के संस्थापक श्री अमरजीत मिश्र जी आमंत्रित विशिष्ट अतिथिगण जी कार्यक्रम में सम्मिलित विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारीगण पत्रकार मित्र देवी और सज्जनों मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप सबने अभियान संस्था के माध्यम से मेरा अभिनंदन करने का निर्णय किया और जब कभी कोई अभिनंदन होता है तो स्वाभाविक है कि प्रसन्नता होती है आनंद होता है और इसलिए आपने मेरा जो सत्कार किया उसके बारे में मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और चाहता हूं कि मेरे बारे में जो मानपत्र दिया है उस मानपत्र के अनुसार भविष्य में ही काम करने की ताकत आपके सहयोग से मुझे मिलती रहे मैं तो एक दृष्टि से देखा जाए तो निमित्त मात्र हुआ और अभियान संस्था ने उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाने की दृष्टि से जो परिश्रम किए जो लगातार कष्ट सहन किए ये मेरा सत्कार जो हो रहा है वो सत्कार उन्होंने जो परिश्रम प्रारंभ किए उसके कारण हो रहा है और इसलिए जैसे गंगा नदी में या कोई भी नदी में भक्तगण जाते हैं और उसी गंगा का जल लेते हैं और गंगा को ही समर्पण करते हैं उसी प्रकार से मुझे जो यश मिला है वो यश मैं अभियान संस्था को और अमरजीत को समर्पित करता हूँ 29 वर्ष कोई एक विषय को लेकर इस प्रकार का अभियान चलाना और संस्था का नाम भी कैसे है देख लीजिए नहीं तो हम कहते हैं कि लक्ष्मीबाई और उसके शरीर पर एक भी गहना नहीं होता है कहते हैं सरस्वती बाई लेकिन वो लिखना बोलना भी नहीं समझती हैं लेकिन कभी कभी नाम जैसे काम होता है ये नाम जैसा काम अभियान ने किया है इसलिए मैं अभियान को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और जिस प्रकार से वैसे देखा जाए तो दोपहर का 1:30 बजे का समय
कोई सुविधा का समय नहीं होता है। सामान्यतः जो व्यवसाय करते हैं वह भी भोजन करने के बाद थोड़ा विश्राम लेते ही रहते हैं। विश्राम लेते लेते कब घंटा डेढ़ घंटा निकल जाता है उसका पता ही नहीं चलता है। ऐसे समय पर आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए, मैं आपको भी सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जब मैं राज्यपाल के नाते उत्तर प्रदेश गया और शपथ ली, और शपथ लेने के बाद जैसे भी होता है पत्रकार सवाल पूछते रहते हैं, तो पत्रकारों ने मुझे सवाल पूछा कि महामहिम आपका आगे का एजेंडा कौन है। तो पहले मैंने उनको कहा कि भाई मेरा पहला एजेंडा तो ये है कि महामहिम शब्द का जो आपने उपयोग किया है वो शब्द अंग्रेजों से आया है, क्योंकि अंग्रेजों में अंग्रेजी में हिज एक्सलेंसी कहते हैं, इसलिए महामहिम आ गया। तो मैंने कहा कि आप महामहिम को छोड़ दो और मुझे माननीय कहे तो बहुत अच्छा होगा। और चल रहा है, कई लोग उसका उपयोग भी कर रहे हैं, लेकिन जैसा होता है कि सब आप लोगों को मालूम है कि, और मैं भी आगे उसके बारे में कहूँगा ही कि बम्बई का बॉम्बे का मुंबई हो गया, लेकिन अपने में से कईयों के बोलते बोलते जो बम्बई मुंह में बैठा है वो निकलता ही नहीं है, इस प्रकार से भी होता है। और ये कहते हुए कि राम नाईक का हम अभिनंदन इसलिए करते हैं कि उन्होंने बम्बई से मुंबई किया, लेकिन हम इसके कारण बम्बई वाले हम खुश हैं, तो ये बम्बई शब्द ऐसा जाता नहीं है। वैसे मैंने कहा कि भाई ये महामहिम शब्द का उपयोग आप नहीं करेंगे तो अच्छा होगा। दूसरी बात, उन्होंने मुझे पूछा कि क्या आप जनता दरबार लगाएंगे, तो मैंने कहा भाई मैं जनता दरबार नहीं लगाऊंगा, क्योंकि जनता दरबार लगाने का जो काम होता है, कर्तव्य होता है, वो मंत्रियों का होता है, जनप्रतिनिधि का होता है, लोकसभा का सदस्य हो विधानसभा का सदस्य हो उनका होता है। लेकिन मैं मेरे राजभवन के दरवाजे सबके लिए खुले रखूंगा, और आज कार्यक्रम है तो मैं आपको, मैंने शपथ ली 22 जुलाई 2014 को और 16 मई 2017 तक, वैसे होते हैं 2 वर्ष 10 महीने, और बिल्कुल आंकड़ों में और अधिक जाना है तो ये होते हैं 1031 दिवस। तो 1031 दिवस में मैंने क्या किया वो संक्षेप में आंकड़े में आपको बताना, मुझे लगता है कि जो मैं इतने साल यहाँ भी कहता रहा कि जवाबदेही होनी चाहिए जो भी काम करता है उसकी, तो जवाबदेही के नाते मैं आपको 1031 दिन में क्या किया वो मैं बता देता हूँ। मैंने जो समय लेकर आता है उसको मैं मिलता रहता हूँ। अभी मुंबई के लोग तो ऐसे कि राम नाईक अपना ही है, और फिर सिक्योरिटी गेट पर आते हैं और समय मांगते हैं कि भाई आप कहे हैं, आपने कहा है कि दरवाज़ा खुला है, तो दरवाज़ा खुला है तो हम आना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को कभी कभी नहीं मिल सकता हूँ। लेकिन जो समय लेकर मिलने के लिए आते हैं वो संख्या है 17,083। इतने लोगों को मैं मिला, इसका एवरेज निकाला जाए तो लगभग रोज 17 लोगों को मैं इन दिनों में मिला, ऐसा हो जाता है। दूसरा, मैंने कहा कि आप बुलाएंगे तो मैं आऊँगा, तो दो आंकड़े इसके बारे में भी मैं आपको देता हूँ कि लखनऊ शहर में अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम होते रहते हैं, तो ऐसे लखनऊ शहर में मेरे कुल मिलाकर कार्यक्रम हो गए हैं 616, और लखनऊ के बाहर लेकिन उत्तर प्रदेश में, लखनऊ के बाहर लेकिन उत्तर प्रदेश में जो हुए हैं वो है 382, मतलब इन दोनों का टोटल किया जाए
तो 998 होता है, 1000 को केवल 2 कम है। इस प्रकार से मतलब लगभग रोज एवरेज निकाला जाए तो 1031 दिन में 998 मतलब लगभग रोज कुछ ना कुछ कार्यक्रम वहाँ होते रहे हैं। और मैंने ये बात आपको इसलिए कही कि इसके माध्यम से ही मैं काम करता रहा और काम करने का जो आनंद है वो मुझे हमेशा मिलता है। अब मेरे उम्र की चर्चा भी की गई कि मेरा उम्र 83 है, लेकिन हमारे याज्ञिक जी कहते हैं कि नहीं 83 नहीं है, ये 38 है, वो उल्टा करने का उनका स्वभाव भी है। तो अच्छा लगता है जब काम करते हैं, और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जब तक आदमी काम कर सकता है तब तक उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। अब यहाँ 29 साल इस प्रकार का प्रयास अमरजीत मिश्रा और उनके साथियों ने किया। मैं कभी कभी ऐसे कार्यक्रम में भी आया हूँ, और इसलिए ये मांग क्या है, किस प्रकार की है, इसकी थोड़ी जानकारी तो मुझे थी। तो उत्तर प्रदेश में जाने के बाद लखनऊ में भी 24 जनवरी 2015 को मतलब पहला जब आया तब मुझे वहाँ के एक पत्रकार आए श्याम कुमार करके, उनकी एक संस्था है रंग भारती करके, और वो आए और उन्होंने कहा कि आप आए हैं तो हमारे कार्यक्रम के लिए आए। मैंने बोला आपका कार्यक्रम क्या है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा 24 जनवरी को हम उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाते हैं। तो मैंने कहा कि भाई आप मनाते हैं, तो बोले हाँ हम मनाते हैं। तो मैंने पूछा उनको तो मैं आऊँगा ज़रूर, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मैं अभियान के अमरजीत मिश्रा मुंबई में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश में नहीं मनता है, ऐसा यहाँ टीका टिप्पणी होती थी, तो आप बनाते हैं तो हमको कैसे मालूम। बोले मैं छोटा हूँ और छोटा होने के कारण उसको प्रचार पत्रकार अखबारों में ज़रा कम होता है, तो आप आइए। मैंने कहा मैं आता हूँ, और मैं गया। मुश्किल से 100-150 लोग थे, कुछ 60-65 के आगे के उम्र के लोग भी उसमें ज़्यादा थे, तो लेकिन वहाँ भी इसका भूमिका है ये बात मेरे ख्याल में आई। और फिर इन बातों को लेकर मैंने अमरजीत को कहा कि भाई आप हर साल कार्यक्रम करना है तो उसके लिए पैसे लगते हैं, पैसे लगते हैं तो विज्ञापन लेते हैं, फिर कोई एक स्मरणिका निकालते हैं। तो मैंने अमरजीत को कहा कि भाई तुम्हारे पास जितने स्मारिका के अंक होंगे वो मुझे भेज दो, ताकि मैं वहाँ उस समय के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को ये कहूँगा कि ये लगातार चलने वाला काम मुंबई में हो रहा है और उत्तर प्रदेश में भी होगा तो लाभदायक होगा। अमरजीत ने फिर मुझे सारे भेज दिए, मैंने मेरी आदत जैसी है एक अच्छा मेमोरेंडम बनाया, उनको बुलाया। राज्यपाल कभी मंत्रालय में नहीं जाता है, तो राज्यपाल कोई भी हो तो उसको बुलाता है, तो मैंने राजभवन में उनको बुलाया, सारी बात बताई। उनको भी ये देखने के बाद लगा कि ये कल्पना अच्छी है, उन्होंने कहा भी ये कल्पना अच्छी है और मैं देखता हूँ। लेकिन देखने के बाद थोड़ा ऐसा लगा कि उनके जो सहयोगी है उनको शायद ऐसा लगा कि भाई ये होगा तो इसका क्रेडिट राम नाईक को जाएगा और फिर अपने लिए राजनीति में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। इस प्रकार के भाव में वो बात पूरी नहीं हुई, और पूरी नहीं हुई तो अब सत्ता में परिवर्तन हो गया। मैं जब सत्ता में परिवर्तन हो गया, परिवर्तन तो आपने देखा है किस प्रकार से हुआ, यानी आज तक कोई भी राज्य में इस प्रकार का यानी 403 में 325 मतलब 85% भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनकर आए, तो 2-3 साल में जितने महत्व के विषय के बारे में मैंने अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री के नाते पत्र भेजे थे, चर्चा की थी, और जो पूरा नहीं हुआ ऐसे सारे पत्र मैंने निकाले और मैंने योगी आदित्यनाथ जी को बुलाया और उनको मैंने बताया कि भाई ये विषय है कि अब तक उसके बारे में निर्णय नहीं हुए हैं, तो उसमें ये आया कि ये मथुरा कांड हो गया,
किस प्रकार से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हुए हैं, और मैंने उनको कहा था कि इसके बारे में एक श्वेत पत्रिका प्रकाशित होनी चाहिए कि किस प्रकार से सरकार के जमीन पर अतिक्रमण हुए हैं। विधान परिषद के सदस्यों के नामांकन करने के बारे में भी, लोकायुक्त के बारे में, ऐसे जो महत्व के विषय है उसमें यह विषय भी मैंने अखिलेश यादव जी को दिया ये है। और मैं, यदि आप इसको करते हैं तो बड़ा अच्छा होगा। और कोई बात का समझदार आदमी होता है तो वो समझता कैसा है, कितना जल्दी है और उसका काम कितना जल्दी होता है, इसका यदि नमूना देखना है तो मैंने आदित्यनाथ जी के पास देखा है कि मैंने उनको कहा, उन्होंने कहा कि हाँ कल्पना अच्छी है, और कल्पना अच्छी है तो हम करेंगे। अब करेंगे कहने के बाद मैं भी हूँ, तो मैंने अपने ढंग से उनको कहा कि यहाँ देखिए, ये विषय का ख्याल में रखने के लिए मैंने उनको बताया, देखिए ये इसके लिए मैं आग्रह इसलिए हूँ कि मैं देख रहा हूँ लखनऊ में उड़ीसा के लोग हैं तो उड़ीसा दिन मनाते हैं 1 अप्रैल को। अब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया तो उत्तराखंड के लोग वहाँ के उत्सव बड़े जोरदार ढंग से मनाते हैं, अलग अलग प्रदेशों के लोग अपने अपने ढंग से, केरला के लोग वहाँ है तो ओमान बड़े जोरदार ढंग से मनाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी महाराष्ट्र दिन क्यों नहीं मनाऊं, और इसलिए 1 मई को मैंने महाराष्ट्र दिवस मनाने का तय किया। क्योंकि जैसे आप यहाँ मुंबई में उत्तर भारतीय भी बड़ी संख्या में है, लेकिन आपको मालूम है या नहीं मालूम नहीं, लेकिन मुझे उत्तर प्रदेश जाने के बाद पता चला कि उत्तर प्रदेश के सब बड़े शहरों में ये चांदी का और सोने का क्या गलन बोलते हैं, क्या बोलते उसको, गलन ना, तो गलन करने वाले लोग ज़्यादा करके महाराष्ट्रियन है। और महाराष्ट्रियन इतना ही नहीं, तो मैं जिस जिले से आता हूँ सांगली जिला, तो वहाँ के लोग बड़ी संख्या में वहाँ है, तो आते रहते थे, मिलते रहते थे। संयोग भी कुछ ऐसा बनता है कि मैं मराठी भाषिक हूँ, मेरे कार्यालय में राजभवन में जो प्रमुख सचिव है वह भी ज्योतिका पाटन कर करके है, वह भी मराठी भाषिक है। अब पहले मैं जब गया तब उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ थे, और उनके अभी सर्वोच्च न्यायालय में ट्रांसफर हुई, तो अभी जो यहाँ पर दूसरे मुख्य न्यायाधीश आए वह भी संयोग से दिलीप भोसले जी है, मतलब यहाँ बाबा साहेब भोसले करके कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे उनके पिताजी, उनके लड़के ये है, तो वो भी मराठी भाषिक है। तो हमने कहा कि वहाँ संगीत विश्वविद्यालय, भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय, उसकी कुलपति भी श्रुति सरोलीकर करके महिला है, कानपुर के विश्वविद्यालय के जो कुलपति है डॉक्टर वैशम पायन, वो भी मराठी भाषिक है, ऐसे काफ़ी मराठी भाषिक भी है। तो हमने कहा कि हम भी मनाएंगे, और मैंने कहा कि भाई मैं आपको सुविधा के लिए राजभवन का मैदान देता हूँ, और कार्यक्रम जोड़ने का काम मैं करूँगा, लेकिन बाकी आपको करना चाहिए। तो फिर ये श्रुति सरोलीकर भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय की, वहाँ मराठा समाज करके है, वहाँ मराठी आदमी करके है, इस प्रकार के 3-4 संस्थाओं ने 1 मई को महाराष्ट्र दिन का कार्यक्रम करने का तय किया। और फिर आप सबको परिचित, और यहाँ हम विले पार्ले में हैं, तो विले पार्ले में तो सबको घर घर में जो नाम मालूम है वह है गीत रामायण गाने वाले श्रीधर फड़के, तो हमने उनको 2 दिन गाने के लिए बुलाया, और बहुत जोरदार ढंग से हमने महाराष्ट्र दिन इस समय पर मनाया। और बुलाया हमने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को, और हमने उनको कहा कि देखिए हम भी मना रहे हैं, तो भी आप सोच लो, आपके पास हमारा एक पत्र है कि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाने का, तो बराबर उन्होंने उस कार्यक्रम में ही घोषणा कर दी 1 मई को कि हम भी उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाएंगे, और ऐसी उन्होंने घोषणा की। काम करने वाले की गति कैसी होती है मैं आपको बताता हूँ। तो 2 मई को कैबिनेट की मीटिंग थी, तो 2 मई के कैबिनेट मीटिंग में यह विषय उन्होंने रख दिया, और ये विषय रखने के बाद निर्णय हुआ,
अब कैबिनेट केवल उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मतलब क्या करना है इसके बारे में जो बातें कैबिनेट के मीटिंग में दी हुई है वो आपको मैं पढ़कर बताना चाहता हूं कि क्या निर्णय का मतलब क्या है और वह इस प्रकार से है। 2 मई के कैबिनेट मीटिंग में मंत्रिपरिषद का प्रस्ताव 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाना है। फिर इस निर्णय से कौन सा लाभ प्राप्त होगा, कैबिनेट में हर पॉइंट पर जानकारी देनी पड़ती है सभी मंत्रियों को, तो ये विषय था। प्रस्तावित निर्णय से क्या लाभ प्राप्त होंगे, तो उसमें लिखा है प्रदेश के जिन सपूतों का देश के आज़ादी में योगदान रहा है उसे प्रचारित प्रसारित किया जाएगा, साथ ही प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर एवं विविधता को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा, इससे नई पीढ़ी को प्रदेश के नए विकास एवं परिवेश से जोड़ने में सहयोग प्राप्त होगा। फिर आइटम है प्रस्तावित निर्णय से जनसामान्य को सीधा लाभ प्राप्त होगा, तो क्या है कौन सा लाभ होगा, तो उसमें लिखा है प्रस्तावित निर्णय से जनसामान्य में अपने प्रदेश के स्वाभिमान के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, राष्ट्रीयता की भावना का संचार होगा तथा प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत का प्रचार प्रसार होगा। और इस प्रकार का निर्णय, ऐसा निर्णय और पहले कुछ हुआ है क्या, तो उसमें लिखा है उन्होंने प्रदेश में पहली बार इस तरह का आयोजन किया जा रहा है जो स्वयं में एक नवाचार है। इस प्रकार की चर्चा के साथ हुआ और इसको कैसे व्यवहार में लाया जाएगा इसके बारे में 5 मंत्रियों की समिति गठित हुई है और लखनऊ राजधानी से लेकर ब्लॉक लेवल तक, ब्लॉक मतलब वहाँ ब्लॉक तो आप सब समझते हैं, या यहाँ का बोलना है तो तहसील तक, तो ब्लॉक लेवल तक हर स्तर पर ये कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम किस प्रकार से करें, क्या करें, और केवल यहाँ नहीं तो उत्तर प्रदेश के बाहर जहाँ जहाँ इस प्रकार का कार्यक्रम लोग करना चाहेंगे वहाँ भी उचित सहयोग देना है, इस प्रकार का निर्णय हुआ है। और एक बात और भी उन्होंने कही है वो भी मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ कि ये दिन कैसा मनाया जाएगा इसके बारे में लोगों से भी उन्होंने सुझाव मांगे हैं, तो आप भी सुझाव जो देना है तो सीधा मुख्यमंत्री को लिख सकते हैं या मुझे दे सकते हैं, तो मैं भी अब सभी संकलित करके मुख्यमंत्री जी को दे दूंगा कि मुंबई के लोगों को लगता है कि अपना जो उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस है वह इस प्रकार से मनाया जाएगा। और इसलिए मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि यह निर्णय हुआ है, और ये निर्णय जब हुआ तो ऐसा होता है तो मन को एक समाधान तो होता ही है, और ये मन का समाधान होने के पहले मैं 24 जनवरी को ये क्यों करना है उसके बारे में जो जानकारी आपको भी होनी चाहिए, क्योंकि पहले उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, और ये यूनाइटेड प्रोविंस को उत्तर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मतलब भारत सरकार ने 24 जनवरी को 1950 को एक गैजेट का नोटिफिकेशन निकाला और उसमें कहा कि इसके आगे यह यूनाइटेड प्रोविंस करके नहीं बोला जाएगा, तो इसके आगे यह उत्तर प्रदेश करके माना जाएगा। इस प्रकार का नोटिफिकेशन 24 जनवरी 1950 को, याद रखिए 26 जनवरी 1950 से आगे भारत का संविधान का काम शुरू हो गया है, तो उसके 2 दिन पहले यह घोषणा हुई कि यह प्रदेश का नाम अभी यूनाइटेड प्रोविंसेस नहीं रहेगा तो उत्तर प्रदेश रहेगा, और इसलिए यह 24 जनवरी का महत्व है। और मुझे तो जैसा मैंने कहा कि एक आत्मिक समाधान हुआ कि जो काम यहाँ से अमरजीत और उनके साथियों ने शुरू किया और करते करते मैं वहाँ पर पहुँचा, मैंने आदित्यनाथ जी को बताया, उन्होंने मान लिया, उसकी घोषणा हुई। और ऐसा जब मैं आत्मिक समाधान की बात करता हूँ तो इसकी भी
तुलना कोई आत्मिक समाधान के दूसरे धर्म से कर की नहीं जा सकती है, लेकिन मुझे यहाँ मुंबई में काम करते समय भी ऐसे कई आत्मिक समाधान के क्षण मिले। पहला क्षण मुझे उस समय पर मिला कि मुंबई के झोपड़पट्टी में टॉयलेट बनाने के लिए जितनी जगह चाहिए उतनी नहीं मिलती थी, तो फिर मैंने सुझाव दिया था कि भाई जगह जितनी है उतनी जगह में आप एक माले के बदले में दो माले के टॉयलेट्स बनाओ। पहले जब मैंने ये सुझाव दिया तो इंजीनियर्स ने कहा कि साहब कहाँ दो माले का संडास कोई बनाता है क्या, तो मैंने बोला क्यों नहीं बनाते हैं, आप 10-10, 12-12 माले की बिल्डिंग बनाते हैं, एक एक फ्लोर पर चार चार कमरे का फ्लैट बनाते हैं और चार कमरे के फ्लैट में हर कमरे में एक एक टॉयलेट होता है, तो यहाँ पर दो माले का संडास क्यों नहीं बन सकता है। आखिर ये बात मान ली गई और पहला दो माले का संडास बोरीवली में हुआ, तो उस समय पर मुझे लगा कि भाई कुछ नई बात मैंने की है। इसी प्रकार ये तो विधायक का हो गया, सांसद के नाते काम करते करते जो आपको सबको परिचित है, लेकिन समाधान की मैं बात कर रहा हूँ कि इस शहर का नाम बॉम्बे बम्बई करके लोग बोलते थे, महाराष्ट्र मुंबई ये मराठी का नाम है, तो ये जब मैंने आखिर केंद्र सरकार से मनवाया और सभी भाषा में बॉम्बे बम्बई के बदले में मुंबई हो गया, तो मुझे उसी प्रकार का एक आत्मिक समाधान मिल गया। और उसके बाद जैसे ये बन गया तो फिर मद्रास का चेन्नई हो गया, कलकत्ता का कोलकाता हो गया, बंगलोर का बंगलुरु हो गया, त्रिवेंद्रम का तिरुवनंतपुरम हुआ, ये आप सब जानते हैं। ऐसे आत्मिक समाधान का तीसरा जो मुझे बताना लगता है वो ये है कि वंदे मातरम और जनगणमन संसद में गाया नहीं जाता था, मैंने वहाँ चर्चा की, प्रस्ताव करवाया और आखिर वो मंजूर हुआ, तो 1992 में देश आज़ाद हुआ, 1947 में हमने संविधान स्वीकार किया, 1950 में, 1950 में संविधान स्वीकार करने के बाद 42 साल के बाद वंदे मातरम और जनगणमन लोकसभा में गाया गया, मुझे लगा कि हाँ मैंने कुछ किया है। ऐसी कई बातें, मैं रेल मंत्री था, रेल मंत्री के नाते आप मुंबई के जानते हैं कितनी कठिनाइयाँ थी, बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन जब एक कार्यकर्ता रेलवे के यात्रियों के लिए लड़ने वाला इस प्रकार से काम करते समय जब दुनिया की पहली महिला लोकल शुरू हो गई तो मुझे लगा कि मैंने कुछ किया है और उसका भी एक समाधान मिल गया, सांसद निधि है, ऐसी कई बातें। और पेट्रोल के बारे में तो गैस एजेंसी सबको मिली, एलपीजी वेटिंग लिस्ट समाप्त हुई वगैरह सब आप जानते हैं, लेकिन उसमें भी आत्मिक समाधान उस समय पर मुझे मिला कि जब कारगिल के लड़ाई में जो शूरवीर ये बन गए शहीद बन गए, उनके पति पत्नी उनके पत्नियों को उनके माँ को बहनों को आगे के जीवन करने के लिए हमने पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी बना कर दिए, उस समय पर लगा कि हाँ मैंने भी कुछ किया है। ऐसी बात मुझे यह निर्णय जब हुआ कि उत्तर प्रदेश में राज्यपाल जाने के बाद सबसे ज़्यादा आत्मिक समाधान देने की कोई घटना थी तो ये थी, और इसलिए मैंने इसका उल्लेख किया। एक बात और बताकर मैं मेरा वक्त ये पूरा करूंगा क्योंकि ये बात आगे और चलने वाली है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह से जानते हैं, नई नई कल्पनाएं वो लाते हैं और केवल कल्पनाएं लाते नहीं हैं तो उसको व्यवहार में लाते हैं, और व्यवहार में लाते समय सबको साथ में लेकर जो काम करते हैं उसे आप और हम सब परिचित हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो गया, अब 21 जून को आएगा तीसरे दफे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, या गरीबों के लिए भी कोई पैसे न होते हुए भी बैंक अकाउंट खोलने की बात कितनी बड़ी बात थी, और ऐसे कई बात उन्होंने किए। तो अभी अभी गए 15 दिन के पहले सभी मुख्यमंत्रियों की दिल्ली में उनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई, और बैठक में अलग अलग शब्दों का विषयों का विचार करते करते प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात उस बैठक में रखी कि हम एक प्रदेश दूसरे प्रदेश के साथ अधिक अच्छे संबंध बनाएं, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो हर भारत की सांस्कृतिक विशेषता है, कई प्रकार की है, तो हर प्रदेश की भी
कुछ न कुछ सांस्कृतिक विशेषता होती है, तो उसका आदान प्रदान करना चाहिए, इस प्रकार का सुझाव उन्होंने रखा। और सुझाव जब रखा तो उस समय पर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी और अपने यहाँ के मुख्यमंत्री फडणवीस जी बाजू बाजू में बैठे थे, तो दोनों ने एक दूसरे के साथ बात करके उन्होंने कहा कि भाई चलो हम पहला एमओयू उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का बनाएंगे और जिसमें सांस्कृतिक लेन देन शुरू होगी। आने वाले कुछ दिनों में ही इस प्रकार का कार्य का प्रारंभ होगा। उसके लिए अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हम क्या कर सकते हैं, कैसे करने चाहिए, इसके बारे में विचार होगा। और ये जब हो रहा था तब मेरे मन में जो बात आई, थोड़ी भाषण में आई, कितना समय है भाई, 5 मिनट में है तो मैं खत्म करता हूं। तो बात राम की, और राम ने वनवास में अयोध्या से निकले और नासिक में आए, पंचवटी में आए, उसकी बात हो गई। अब मैं उसका विचार कर रहा था तो ये तो बहुत पौराणिक बात हो गई। फिर इतिहास की बात हम करते हैं तो छत्रपति शिवाजी राजे बन गए, उन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की, लेकिन यहाँ के कुछ सरदार उनको राजा मानने के लिए तैयार नहीं थे, तो उस समय पर सुझाव यह है कि उनको यदि अभिषेक किया जाता है तो फिर सब लोग उनको राजा करके मानेंगे, तो कौन अभिषेक करेगा। तो उस समय पर काशी से गागा भट्ट को बुलाया गया और फिर उन्होंने अभिषेक किया और शिवाजी छत्रपति बन गए, राजे बन गए। ये तो वो भी इतिहास की बात हो गई, पहले पौराणिक बात हो गई, ये इतिहास की भाग हुई। 1857 का स्वातंत्र्य समर हुआ। अब 1857 का स्वातंत्र समर मेरठ, कानपुर, लखनऊ इस क्षेत्र में हुआ, लेकिन अंग्रेजों ने उसको बगावत कह दिया। तो ये बगावत नहीं है, ये भारत का प्रथम स्वातंत्र समर है। ये बात यदि दुनिया के सामने तथ्यों के आधार पर किसी ने लाई होगी तो स्वातंत्र वीर सावरकर ने लाई, और वो भी फिर दिखाई देता है कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का किस प्रकार का संबंध है। ऐसी कई बातें हम एक दूसरे के, आपको मालूम है या मालूम नहीं है, लोकमान्य तिलक जी के बारे में सबको उनकी जो जानकारी है वो इस बात पर है कि उन्होंने कहा था कि स्वराज्य ये मेरा अधिकार है और मैं उसे लूंगा ही। अब ये जो उनका वाक्य है वो वाक्य 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, और कांग्रेस के अधिवेशन में भाषण करते समय उन्होंने ये बात वहाँ कही लखनऊ में कि स्वराज्य ये मेरा अधिकार है और उसको लेकर मैं रहूँगा ही। इस प्रकार की कई बातें उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को जोड़ने वाली, इस प्रकार की बातें हम देख सकते हैं। अभी भी बिल्कुल आ जाएंगे, तो मैंने जिसका उल्लेख किया भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय। अब भातखंडे या पलुस्कर यहाँ के संगीत तज्ञ उत्तर प्रदेश में गए और फिर उन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना की। और आजकल के जमाने का भी हम विचार करते हैं तो इलाहाबाद में जिनका जन्म हुआ अमिताभ बच्चन जी का, और जो महानायक हुए वो मुंबई में आए और मुंबई को कर्मभूमि उन्होंने बनाई, इसलिए वो महानायक हुए। अब अपने भजन गाने वाले कौन, अनूप जलोटा, वो भी लखनऊ के हैं लेकिन उनका नाम जो हुआ वो मुंबई में हो गया, इसलिए मुंबई की कर्मभूमि भी अनेक कलाकारों ने की है। और इसलिए मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का इस प्रकार का संस्कृति का लेन देन का काम होगा तो और हमारी जो एकता है वो और अधिक मजबूत होगी। और मुंबई को तो देश की आर्थिक राजधानी बोलते हैं, दिल्ली को हम राजनीतिक राजधानी बोलते हैं, और काशी को हम सांस्कृतिक राजधानी बोलते हैं, धर्म की राजधानी बोलते हैं। तो ये जो बात है वो अपने आप में यदि हम सब साथ में चलकर करें तो मुझे लगता है कि एक नया भारत, और नया भारत उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के एकता से और अधिक होगा। आप लोगों को मालूम है, मालूम तो होना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश बड़ा है इतना ही हम लोग बोलते हैं। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है,
तो उत्तर प्रदेश है, और ये बात सही है, लेकिन आपको मालूम है या नहीं मालूम, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन दुनिया में केवल चार देश है कि जिनकी जनसंख्या यह उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है। वो चार देश है चीन, ब्राज़ील, इंडोनेशिया और नहीं नहीं अमेरिका नहीं ऑस्ट्रेलिया। ये बात बराबर है, किसने बताया, धन्यवाद आपको। तो ये चार देश जो है उसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है, बाकी कोई भी देश का आप नाम लो उसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से कम है। ऐसे बड़े उत्तर प्रदेश और एक दृष्टि से समर्थ महाराष्ट्र, इनका जब इस प्रकार का लेन देन होगा तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि, मैंने पहले दिन जब गया तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था कि भाई मैं ये कोशिश करूँगा कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बने, ऐसी मैं कोशिश करूंगा, ऐसा मैंने कहा था, लेकिन अब तो मुझे वो भी बदलना पड़ रहा है। और आज मैं ये कहने की हिम्मत कर रहा हूं कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बनेगा हिंदुस्तान का। इस प्रकार का काम वहां हो रहा है, और ऐसे काम करते समय यह निर्णय होना कि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस हम मनाएंगे, अपने आप में बहुत अच्छा लगता है। और अच्छा लगता है, और मैं तो मेरे जीवन के किताब आप लोगों ने थोड़े पढ़े होंगे, बाहर भी रखा है उसका, वो मेरे संस्मरण है, जो लेकर पढ़ेंगे उनको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो बाद में ले लो, लेकिन उसका शीर्षक है उस किताब का चरैवेति चरैवेति। इसका मतलब है चलते रहो चलते रहो। और ये श्लोक ऐतरेय ब्राह्मण करके लगभग 3-4 हजार साल का पुराना ग्रंथ है संस्कृत का, उसमें है। वह श्लोक ये कहता है कि जो बैठा है उसका भाग्य भी बैठ जाता है। इंद्र राजा को सलाह दे रहा है कि राजा ने कैसे काम करना चाहिए, तो वह इंद्र राजा को ये बताता है कि जो बैठा है उसका भाग्य बैठ जाता है, जो खड़ा हुआ है उसका भाग्य भी खड़ा हो जाता है, जो सोया है उसका भाग्य भी सो जाता है, और इसलिए हे मानव तुम उठो और चलते रहो चलते रहो चलते रहो। और उसके बाद का श्लोक और सुंदर है, उदाहरण देने वाला है। हाँ अभी हो गया, ये हमारे पीछे आके खड़े हो गए तो हमको समझना है कि हमने पूरा करना है। तो दूसरा श्लोक जो है वो श्लोक ये कहता है कि जैसे मधुमक्खियाँ एक फूल से दूसरे फूल पर उड़कर जाती है और मध संग्रहित करती रहती है, या जैसे पक्षी एक पेड़ से उड़कर दूसरे पेड़ पर जाते हैं और मधुर मधुर फल खाते रहते हैं, या जैसे सूर्य सुबह से शाम तक चलता रहता है और दुनिया को प्रकाश देता है, चेतना देता है, जीवन देता है, और इसलिए वह जगत वंद्य हुआ है, और इसलिए हे मानो तुमको सूर्य के जैसे काम करना होगा, तो तुम सूर्य के जैसे चलते रहो चलते रहो चलते रहो। ऐसा काम हम सब मिलकर करते रहे, और फिर मैं अमरजीत को कहूँगा कि आपको भी आज तक जिस गति से आप चलते रहे हैं उससे अधिक गति से चलते रहो चलते रहो चलते रहो। आप सभी लोग बैठे रहिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। राम नाइक जी का यहाँ पर और अमरजीत मिश्रा जी का एक बड़ा हार और दो तलवार लेकर अभियान
आप लोग हमारी मिश्रण बैठ जाएंगे दो मिनट की लड़ाई दो मिनट की लड़ाई उस पहाड़ और दो तलवार देकर यहाँ पर हम सम्मानित करना चाहते हैं दीपक सिंह अभियान सरकार की तरफ से सम्मान पत्र आप सभी लोगों को मौका मिलेगा अरे हाथ निकालो यार इसके बाद सरकार निर्वाचन की तरफ से सम्मान पत्र एक मिनट जाएगा पीछे पीछे आ जाओ पीछे आ जाओ पीछे आ जाओ तिवारी ब्रह्मदेव तिवारी श्रीकांत पांडे नगर सेवक दिनेश सोना विनोद शिला चंदन दुबे टी एस पांडे कमलाकर धड़वी मेरा भाई मदन सिंह वसीम खान सिकंदर शेख आप सभी लोगों का आभार एक तरफ से आए दाई तरफ से आए उत्तर भारतीय जनसेवा मंच श्री राम सत्संग समिति की तरफ से वशिष्ठ नगर आप बिल्कुल सही आराम से आप हट जाइए ना आप एक तरफ हो जाइए आप एक तरफ हो जाइए मैं बाहर बोलूंगा यहाँ चलो सर बाइट नीचे रहेंगे बाहर ओके ओके दो सवाल कुछ भी पूछो दो सवाल पूछो रामू आपसे कहना चाहेंगे कि पिछली सरकार और मौजूदा सरकार की अगर तुलना करें पिछली सरकार के पांच साल मौजूदा सरकार के दो महीने की तुलना आप किस तरह से करेंगे ऐसा है कि पहले की सरकार यानी अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे वह सरकार और अब की नई सरकार मतलब योगी आदित्यनाथ जी जिसके मुख्यमंत्री है वह सरकार संविधान के दृष्टि से ये दोनों सरकारें मेरी सरकारें थी और इसलिए पहले की सरकार भी मेरी थी ये सरकार भी मेरी है और इसकी तुलना मैं नहीं करूँगा जनता का और पत्रकारों का ये काम है कि इसकी तुलना कैसे की जाए यह एक दृष्टि से राजनीतिक सवाल है और राजनीतिक सवाल के बारे में मैं कोई उत्तर नहीं दूंगा दोनों मुख्यमंत्रियों की अगर बात करें तो वही भी बात वही है लोगों ने तय किया है लोगों ने अपना निर्णय लिया है और इसलिए लोगों के निर्णय को मानकर काम करना चाहिए जनतंत्र में एक
सत्तारूढ़ पार्टी होती है, दूसरी विपक्ष की होती है, दोनों का महत्व है और उस भूमिका में काम करना चाहिए। राजनीतिक तुलना मैं नहीं करूंगा। ऐसे मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जो विषय यहाँ के लोगों ने, अभियान संस्था ने उठाया था कि 24 जनवरी उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाना चाहिए, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने एक गैजेट निकाला था और वो गैजेट के तहत पहले उसको यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, तो यूनाइटेड प्रोविंस के बदले में इसको उत्तर प्रदेश कहना चाहिए। इस प्रकार का नोटिफिकेशन 24 जून 1950 को भारत सरकार ने निकाला था और इसलिए उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस ये माना जाता है। अब इतने दिन हो गए, सरकार ने, प्रदेश सरकार ने इसको नहीं माना। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 1 मई को जब महाराष्ट्र दिन के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए थे, तब उन्होंने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाएगा और मैं उसमें प्रसन्न हूँ और यहाँ की जनता ने उसके बारे में मेरा भी सत्कार किया, स्वाभाविक तौर पर मुझे भी खुशी है। देखिए, मुंबई में पिछले 29 सालों से अभियान संस्था उत्तर प्रदेश दिवस समारोह का आयोजन करती आ रही है। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश का स्थापना दिन नहीं मनाया जाता था। मुंबई में अभियान संस्था पिछले 29 सालों से मुंबई में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस समारोह करती रही है। तमाम तरह के लोगों का विरोध होता रहा है। विरोध का कारण यह था कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश दिवस यदि नहीं मनाया जाता तो मुंबई में उत्तर प्रदेश दिवस क्यों मनाया जाता है। इसलिए ये प्रश्न लेकर हम लोग कई बार कोशिश किए, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ये आयोजन करती नहीं थी। जब 2014 में राम भाऊ नाइक उत्तर प्रदेश के गवर्नर बने तो हमने उनसे भी निवेदन किया कि आप उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश दिवस समारोह शुरू करिए, और उसके बाद उन्होंने 2014 में अखिलेश सरकार से कहा कि उत्तर प्रदेश दिवस समारोह का आयोजन किया जाना चाहिए, उन्होंने नहीं माना। लेकिन 2017 में जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई तो राम नाइक जी ने उनसे आग्रह किया और ये उन्होंने स्वीकार किया कि उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाएगा। सबसे खुशी की बात यह है कि महाराष्ट्र दिन का कार्यक्रम जब 1 मई को उत्तर प्रदेश के राजभवन में राम नाइक जी ने जो आयोजित किया था, उस आयोजन में योगी आदित्यनाथ जी ने स्वीकार किया, महाराष्ट्र दिन पर उत्तर प्रदेश दिवस समारोह मनाने की घोषणा हुई। ये सबसे बड़ी बात और सबसे खुशी की बात थी। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में एक सांस्कृतिक सेतु बनाने का काम जो मुंबई में अभियान संस्था कर रही थी, माननीय राम भाऊ नाइक राज्यपाल के रूप में उत्तर प्रदेश में यह करने में सफल रहे, इसलिए आज का समारोह राम भाऊ नाइक का सम्मान समारोह था और उनका अभिनंदन करके हम लोग उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे थे कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की स्वस्थ परंपरा शुरू करवाई।